शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 68 साल के बुजुर्ग ने 30 कुत्तों को बनाया है अपने हवस का शिकार। सोशल मीडिया पे लोग अभी मचा रहे हैं हंगामा और बोल रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी यही बात बोलते हैं कि इन कुत्तों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसान ही ऐसा काम करेगा तब वो इंसान किस बात का कहला गया, वो तो बहुत ही गंदा जानवर हो गया। अगर उनके मन में इतनी ज्यादा क्रूरता एक जानवर के लिए हो सकती है तो वो इंसान के साथ क्या नहीं कर सकते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त गवर्नमेंट की तरफ से इनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा चैनल भी बोलता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आ रहा है, जहां पर हम आप लोगों को ये भी चीज बता दें कि सोशल मीडिया पे एक हैशटैग वायरल हो रहा है, हैशटैग सॉरी शेरू। ये ट्रेंड कर रहा है, लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शेरू के ऊपर उनको मांग कर रहे हैं कि इस आदमी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो आदमी है इसने क्या किया है आप लोग तो जानना तो चाहते होंगे, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये जो आदमी है एक्चुअली में इसका नाम है अहमद शाह और इसकी एज है 68 ईयर। इसने कुत्तों के साथ दुष्कर्म किया है, एक नहीं दो नहीं 30 कुत्तों के साथ, जो कि काफी ज्यादा शर्मसार है। जब ये दुष्कर्म एक कुत्ते के साथ कर रहा था तब उस दौरान ही एक आदमी ने इसकी वीडियो बना दी। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई और उस दौरान ही लोग जो है वो काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और लगातार एक हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग सॉरी शेरू। और उस दौरान ही लोग जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग जो है इस आदमी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं कि बेजुबान जानवर के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। अभी पुलिस का कहना ये है कि पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आदमी है वो पेशे से सब्जी बेचने का काम करता है। इसके परिवार वालों को जब इसके बारे में पता चला, जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब लोगों ने इसको काफी ज्यादा मारा और उस दौरान ही अभी पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और उसको जेल भेज दिया गया है। तो आई होप गाइस आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं और हमारे चैनल से भी हम भी मांग करते हैं कि ऐसे क्रूर इंसान को गवर्नमेंट सजा जरूर दे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।